नमस्कार, शुभ सकाल। प्रथम खबर सह मु कमलाकांत। प्रथम नजर पकाई नबा कौन रही हेडलाइंस। आज उत्तर प्रदेश में महाराज महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी शिलान्यास कार्यक्रम में जोगदेवे प्रधानमंत्री। विशिष्ट स्वाधीनता संग्रामी भाव अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जमी दान देते स्वर्गत महाराज महेंद्र प्रताप। कार्यक्रम में महाराजों पर विशिष्ट शिक्षाविद और राजनेता जोगदेवे। बढ़ला बन्या आशंका, तेर नदी में बढ़ुची जलस्तर, फुलुची महानदी ब्राह्मणी बैतरणी। विपद संकेत उपरे जलका वंशधरा। आज पश्चिम ओडिशा रे प्रबल वर्षा संभावना। अविश्रांत वर्षा रे गाँ ठू सहर सबुठी पानी। 12 जिले में स्कूल युक्त 2 कॉलेज बंद। लगाण वर्षा 19,53,647 जन प्रभावित। 53 ब्लक 2799 गाँ 14 पौरांचल प्रभाव। जगत सिंहपुर सर्वाधिक 11,36,000 जन प्रभावित। केन्द्रापड़ 2 और खोर्धार जड़े मृत्यु। वर्षा जो भांगी 265 घर। लघुचाप न सरणु आसुची, पुणी एक लघुचाप। 17 पुणी छेचिब वर्षा। 5 जिला को रेड वार्निंग, 7 जिला को ऑरेंज अलर्ट। आईएमडी डीजी मृत्युंजय महापात्र सूचना, भिजिब राज्यर उपकूल ठू प्रांत। कोविड लड़े भारत को ऐतिहासिक सफलता। कोविड 19 टीकाकरण में 75 कोटि डोज पूरा। द्रुत टीकाकरण क्षेत्र में बड़ बड़ देश को पछरे पकाइला भारत। भारत को प्रशंसा कला विश्व स्वास्थ्य संगठन। कोरोनार उत्पत्ति देश में पुणी बढ़ला विपत्ति। किछि दिनर व्यवधान परे चीन रे बढ़ुची संक्रमण। धरा पड़ा कोविड नियंत्रण रो मिछ दाबी। विश्व आखिरे फेल मारी चीन रो कम्युनिस्ट सरकार। एवं छोट आखिरे बड़ स्वप्न, परिवार और पढ़ा खर्च पाई कठिन परिश्रम। खबर कागज बिक्री करी गढ़ा चली भविष्यत। माँ हृदरोग, बापा दिव्यांग। रायगढ़ जिलार मेधावी उत्कल संघर्ष बार्ता मने पकाए मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन यात्रा। एबे नजर पकाइबा संपूर्ण खबर पर। आज उत्तर प्रदेश अलीगढ़ ठारे महाराजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी शिलान्यास करिवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एथिपाई सरिछि व्यापक प्रस्तुति। प्रधानमंत्री सह एथिरे जोगदेवे राज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। या पूर्व मुख्यमंत्री शिलान्यास तथा सभास्थल बुली समग्र व्यवस्था को जांच करिछन्ते। विशिष्ट स्वाधीनता संग्रामी तथा सांसद स्वर्गत महाराज महेंद्र प्रताप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जमी दान कर निजर बदानेतर परिचय देते। शिक्षा क्षेत्र में अवदान को सम्मान देवाई उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराजा ना एक स्टेट यूनिवर्सिटी प्रतिष्ठापी निष्पत्ति जहां एवं कार्यकारी हो। आज विश्वविद्यालय शिलान्यास उत्सव में प्रधानमंत्री महाराजा पर लोके विशिष्ट शिक्षाविद तथा राजनेता जोगदेवार कार्यक्रम रही। सहर में कड़ा सुरक्षा व्यवस्था करा। सहित अलीगढ़ मंडल डीआईजी मध्य किभली भाव सुरक्षा को कड़ाकड़ी करा से नहीं सूचना देते। बढ़ला बन्या आशंका, 13 नदी में बढ़ुची जलस्तर। महानदी ब्राह्मणी बैतरणी सुवर्णरेखा जलका बुढ़ा बलंग वंशधरा और ऋषुकिला नदी में जलस्तर वृद्धि पाउछि। लघुचाप जो राज्य विभिन्न स्थान में 2 दिन हेब प्रबल वर्षा लागि रहिछि। वर्षा जो कटक भुवनेश्वर समेत विभिन्न जिले में जनजीवन अस्तव्यस्त होइछि। आज आभ्यंतरीण और पश्चिम ओडिशा समेत महानदी उपर मुंड प्रबल वर्षा होबार संभावना रहिछि। विशेषकर बरगढ़, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, मयूरभंज और केन्दुझर प्रबल अति प्रबल वर्षा हो।
तो पानीपाग अपडेट पाई आम सहित तो जोड़ भुवनेश्वर कविता रही बालेश्वर प्रकाश रही प्रथम भुवनेश्वर कविता पाखु जीवाई चाहिए कविता पानीपाग केन्द्र पक्षर किसी अधिक अपडेट आसुच्छी आज बर्षार परिमाण अधिक रहा कम एने किसी वर्तमान लेटेस्ट अपडेट कौन रही निहत भाव में कमलाकांत गोटे कथा कहपर कि जो लघुचाप सृष्टि होता जो घनीभूत हो गत काली गभीर अवपात परिणत होता एवं वर्तमान उत्तर ओडिशा उपकूल सक्रिय रही है और 24 घंटा मध्य जहाँ अपडेट थिला जे 24 घंटा मध्य दुर्बल हो दुर्बल हो जो उत्तर ओडिशा उपकूल एवं उत्तर छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश दे जहाँ अतिक्रम कर प्रभाव में विशेषकर आभ्यंतरण ओडिशा रे किछि मात्रा रे किछि जिले रे किछि वर्षा हबार संभावना रही है आदि कहीपर कि गत काली जमीती कि सातटी जिला को रेड वार्निंग एवं बारोटी जिला को ऑरेंज वार्निंग एवं छटी जिला को रेड वार्निंग जारी करा जितला आज किछि जिला रे वर्षा हेबार संभावना रही है वर्षार परिमाण गत काली ठूँ कम जहाँ आशंका एवं जो कहबा जो जो सेप्टेम्बर मासर जो वर्षार परिमाण रही 48% अधिक रही जून रु एक भितर सेप्टेम्बर पर्यंत जो परिमाण वर्षा हो 20% दुईटी लघुचाप आसी 20% कम नियंटिया वर्षा हो दुईटी जिले में सर्वाधिक रु अधिक वर्षा एवं 13टी जिले में जो स्वाभाविक वर्षा एवं 15टी जिले में नियंटिया वर्षा होली जहाँ पाणीपाग विभाग पक्षर स्पष्ट कर लघुचाप कह जो बड़ लघुचाप थिला ताहा किछि मात्रा रे जो नियंटिया वर्षा को भरण कर सूचना देउछि आउ ता सहित जदि कहबा पुणी गोटे लघुचाप आसवार आशंका करा 17 तारीख आड़क ताहा जो नियंटिया वर्षा को भरण कर सूचना देउछि। कविता बहुत बहुत धन्यवाद एथिले हम भुवनेश्वर प्रतिनिधि अधिक अपडेट दउथिले पाणीपाग को नहीं कि तेज वर्तमान जीवा बालेश्वर जो हम प्रतिनिधि प्रकाश रही प्रकाश बालेश्वर स्थिति वर्तमान कौन रही सेठी पाग किभली रही है नदी जलस्तर कथा जो देखा सेठे नदी जलस्तर कथा वर्तमान कौन रही देखो कमलाकांत गत काली रात्रि अविश्रांत वर्षा हवा फल बालेश्वर जिले में सहर समेत विभिन्न तलियांचल कथ कह बस्ता कथा कहतु जलेश्वर कथा कहतु रूपसा कथा कहतु बालियापाल कथा कहतु बा सहरर मुख्य ये जो चित्र आम कमलाकांत देखा हूँ सहरर मुख्य रास्ता अर्थात 16 नंबर जातीय राजपथ अर्थात बारिपदा और पश्चिम को संजोग कर मुख्य रास्ता जोटि की मुख्य रास्ता पर आप देखुं बर्तमान 2 फुट रु ऊर्ध उच्च बर्तमान पा प्रवाहित होता सहित ए तलियांचल विभिन्न लोक घर और दुकान मानक पा पशि सब गुरुत्वपूर्ण कथा हूँ ये जो वर्षा जल जेहेतु ड्रेनेज समस्या विभिन्न समय रही है एने विभिन्न समय बालेश्वरवासी मैंने जिला प्रशासन आरंभ कर सरकार को नवेदन करते कि पा निष्कासन व्यवस्था करूँ किंतु प्रशासन विभिन्न जगार देखिए ड्रेनेज काम जेहेतु रही अधापंतर हो पड़ रही फल ये जो आप दृश्य देखुं ये हूँ पूरा जो मुख्य रास्ता सहर मुख्य रास्ता जोटा कि 16 नंबर जो कथा कहते 16 नंबर जातीय राजपथ को संजोग कर रेमुणा को लेकिन तो बर्तमान गोटे प्रकार आम कहीपर ये जोाजोग पा जो विच्छिन्न गोटे प्रकार यही पाखापाखि 2 फुट उच्च लोक मैंने जावासा करने सहित विभिन्न देखुं गाड़ी घोड़ा सब अटकी रही सहित लोक ना दुर्दशा भुगुंट सहर आम यदि कहवा आप मोतीगंज कथा कहतु गोधीबसा कथा कहतु बाईर तलिया अंचल अडर बजार कथा कहतु बाहर जो लोकनाथ मार्केट कतर आरंभ कर चिड़ियापल एसब अंचल जो अच्छी से लोक घर पा पशा सहित दुकान मानक पा पशि आई जी आम कह देखु जो जलका और बुढ़ा बलंग नदी ये फुलुची अर्थात तो गत काल ठार जलका नदी तार विपद संकेत पार होता बेले बुढ़ा बलंग बर्तमान पर्यटन विपद संकेत पार होना बा टपी ना कि कौटना कौटि बुढ़ा बलंग और जलकार बना जल अधिक प्रभावित हबार वर्षा जल अधिक प्रभावित हबार से नदी फुलुची और जदि ये सब दुईट नदी में जलका और बुढ़ा बलंग जदि बना आसे तो विशेष आम कहीपर जलकार आसे बस्ता बालियापाल जलेश्वर पाखापाखि विभिन्न बहु पंचायत और सदर ब्लक बहु पंचायत पा पशिब बहु लोक लोक मैंने हईराण हरकत हे कारण जो मैंने जो नदी कूलिया लोक मैंने रोचान से मैंने बर्तमान पर्यटन आप देखु था समस्ते घर पा पशि किए कौटे अगर जगह आसी रही किसी समय पूर्व रूपसा अंचल लोक फोन करते जेहेतु ड्रेनेजर समस्या रही पा निष्कासन कौन बाट ना से पा घेर में रही तो जिला प्रशासन को एने की बारंबार करते कि आउ गए बर्तमान बना आशंका रही सहित
जो वाटर लॉगिंग रही समय प्रशासन पक्षर कि प्रस्तुति कर लोकों पाखे प्रशासन पहुँचला ना आमती आप कहते जो आशंका रही बनार से कि जिला प्रशासन पक्षर आगुआ पदक्षेप नि कारण आपत कहते लोक मैंने निहत भाव असंतुष्ट रही कि देखा जिला प्रशासन कथा से प्रस्तुत रही कि देखो कमलाकांत एने कि जिला प्रशासन पक्षर केवल कागज कलम कथा यदि आम कहटार सीमित रही बर्तमान पर्यटन या पूर्व किसी दिन पूर्व सहर अभिषेक बादल फटा वर्षा होता सहर विभिन्न जगार लोक घर द्वार आरंभ कर दुकान बजार पा बसा लोक कोटी कोटी टकर क्षय क्षति लोक सही है इनकी जिला प्रशासन को दाबी देते कि तुरंत कौ भाई भाव महानाल पा निष्कासन हो पारे सह विभिन्न जो छोट नागुड़ी अच्छी सेगुड़िकर पा जापर से नहीं कि व्यवस्था करने कि प्रशासन केवल हाँ सीमित रही कौन से बर्तन पर्यटन काम है जोने कि गत काली राति वर्षा हाँ फल मुख्य रास्ता पर देखते दुई फुट उच्चतर पा विभिन्न जगह को जी आसार बर्तन असुविधा होम जो अच्छा बालेश्वरवासी अच्छा प्रतिक्रिया आज्ञा कौन कहे देखुं सहर मुख्य रास्ता जोटा कि जो षाठी नंबर षोह नंबर और षाठी नंबर को संजोग कर रास्ता पर बर्तन दुई फुट पा कौन कमी समस्या अच्छा बर्तन समस्या मानने पा कमी जीव निष्कासन कमी पा हम तार बंदोबस्त कर दरकार निहती पर आम सरकार को दाबी कर तार प्रतिकार तुरंत कराऊ समस्त लोक जावासापी बर्तमान भल हम रास्ता भी जमी दि साइड ड्रेन आउटे खोल ड्रेन दि साइड खोलने तर पा दीर्घ बालेश्वर हूँ अमृत सर दीर्घ 21 वर्ष सरकार शासन अच्छे लोक आज पानी रे उबुटुबु विभिन्न जगह केवल बालेश्वर क्या कह राज्य विभिन्न जगह दुनिया जगह कौन कर कहीं लोक मान समस्या प्रति दृष्टि दि जाऊन समस्या लोक मैंने कई कौना चली चलते जिते अतीत तो मैंने पानी होगा कौन कर सरकार किसी गोटे तार प्रतिकार करना प्रकाश साधारण जनता ही कहते से असुविधा कथ कौन राज्य सरकार किभली भाव में जिला प्रशासन प्रस्तुति ठीक भाव में करनी से कथा साधारण जनता ही कहते बहुत बहुत धन्यवाद एम बालेश्वर अधिक अपडेट दौले आम प्रतिनिधि प्रकाश रही तेज बर्तमान जीवा पारादीप जीवा जो प्रतिनिधि विश्वजित बराल रही विश्वजित बर्तमान पारादीप्र स्थित कौन रही जदि देखा जगत सिंहपुर कथा तेज सर्वाधिक प्रभावित होतमान लोकों पाखे जो सरकारी साय पहुँचा कथा पहुँचला ना और से बर्तमान वर्षार परिमाण किभली रही देखु कमलकांत जगत सिंहपुर कथा देखा गले सबुठ अधिका जगत सिंहपुर जिले में बालिकुदा ब्लक में 440 मिलीमिटर काली वर्षा होता जहाँ 80 वर्ष सर्वाधिक आम कल भी कहूँ बर्तमान जदि आम देखा गले बाली जगत सिंहपुर अधिक क्षतिग्रस्त होती बालिकुदार अधिकांश घर जो चाल छपर जो कच्चा घर रही से गुड़ा सब भांगी जानेक स्थान में चाल छपर उड़ी जाए निश्चित भाव जो प्रशासन रही से प्रशासन घटनास्थल पहुँची पारे जहाँफल लोक मैंने बहुत असुविधा रही कारण जो रही रोषे करने जो चूली रही कि जहाँ भी रही सरंजाम से सबू पा घेर रही जहाँफल से बहुत असुविधार सम्मुखीन होती मुझ कैमेरामैन को कहबी से देखेबे गोटे घर रही आम गोटे घर पाखे अच्छू जहाँकि संपूर्ण पा घेर रही तार जो कांथ गोटाए पाख कांथ भांगी जाइए जहाँफल से घर भितर न रही बाहर रोचान निश्चित भाव यह गोटे आम देखा गले गोटे दुखदायक घटना कारण सरकार अनेक योजना करछन्ति किंतु जे प्रकृत हिताधिकारी पक्का घर टे मिल पार नहीं जहाँफल से दुर्दिन कालातिपात करछन्ति एवं वर्षा आसिले दुर्दिन बढ़ुचे कारण वर्षा आसिले ही कांथ बा जो रही चाल घर से गुड़ा सब आम भांगी जाऊँच निश्चित भाव कमलाकांत आम यदि कह गले जो ये गोटे परिवार केमिति रहा आप देखिपे गोटे एटी पाघेर पाघेर रही पाखकू रही जो कांथ रही कांथ गली पड़ी जहाँफल से मानने घर भितर रहा विपदपूर्ण भावुंट आम कि अच्छा स्थानीय लोक आम सहित सीधा साल कथा जे जो बर्तमान जो घर भांगी जामी रोचे कौन स्थित रही आज्ञा जो आम देखुल गोटे पर घर भांगी जा रहा अधा कांथ भांगी जाए आप कौन कह आज देखो ये तो रही घर ये भाई भंगा भांगी जाए सही घरे रहुंस घरे चलुंस बिना रोषेवास ना खाया पीया भी ना चूड़ा खाई रोहत बचुंत कौन कर प्रशासन ये पहुँचला कि ना 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 प्रशासन कहीं आसी ना निश्चित भाव कमलाकांत जहाँ जो स्थानीय लोक कथा सुनते प्रशासन बर्तमान सुधा पहुँचनी एवं जो रही से सुखिला खाद्य खाई मानते जीवन बिताऊँ निश्चित भाव आम देखा ये आंठुए उपर पानी जमी रही दुई दुई साइड में आंठुए पा जमी रही निश्चित भाव कैमेरामैन को कहबी आउ
କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। ଯାହାଙ୍କ ଘର ଇଏ ତାଙ୍କର କେମିତି ରହିଛି ସ୍ଥିତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜରୁର ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ତ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଗୋଟେ କାନ୍ଥ ସାଇଡ୍ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଚାଳ ଛପର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ଏବେ ରହୁଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ କରିବି? ଏମିତି ତ ରହିଛି ଆଉ ଯେହେତୁ ଘରେ ପାଣି ପଡ଼ିଛି, ଘରେ ସେଇ ପାଣିରେ ଇଏ ହେଇକିରି ବୋହିଛି ପିଲା ତିନିଟାକେ ନେଇକିରି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେହି ପହଞ୍ଚିଲେନି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିମ୍ବା କିଛି ସହାୟତା ସାହାଯ୍ୟ? ନା, କେଉଁ ଆସନ୍ତି, କିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି। ନା, କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ନିବେଦନ କରିବେ? ଆଉ କ'ଣ ନିବେଦନ କରିବେ, ଆପଣ ଯାହା ବୁଝିବ ସେଇଆ କହିବ ଆଉ କରିବ ଆଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମଳକାନ୍ତ, ଯାହା ଯେଉଁ ଯାହାଙ୍କ ଘର ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସହଯୋଗ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ କାଳାତିପାତ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱଜିତ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିଲେ ତାହା ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଆବାସ ଯୋଜନା, ସେ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ, ଏବଂ ଏଇଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ, ସରକାରଙ୍କ ଦାବି ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚିନି, ଏହା ଆଉ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ତେବେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଶ୍ୱଜିତ ବରାଳ ରହିଥିଲେ ଆମ ସହିତ। ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ 19,53,647 ଜଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 11,36,971 ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 53 ବ୍ଲକର 2,799 ଗାଁ, 14 ପୌରାଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 265 ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି, 3,819 ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି, ଏହାସହ 3 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ 2 ଜଣ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ଅବପାତ ଓ ଏବେ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଛି। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବା ପରେ ଏହା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 5 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଥିଲା। ଏବେ ଏହା ଗଭୀର ଅବପାତର ରୂପ ନେଇ ଚାନ୍ଦବାଲି ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଏନେଇ INDDG ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଆକାଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଘୁଆ ରହିଛି, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ 50-60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ହେଉଛି। ଆଜି ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, 17-18 ତାରିଖରେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ହେବା ନେଇ IMD DG ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କୋଭିଡ୍ ବିରୋଧରେ ଭାରତକୁ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଭାରତରେ COVID-19 ଟିକାକରଣ 750 ମିଲିୟନ ଅର୍ଥାତ 75 କୋଟି ଡୋଜ୍ ପୂରା ହୋଇଛି। ଏଥିସହିତ ଦ୍ରୁତ ଟିକାକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶକୁ ପଛରେ ପକାଇଛି। ଏନେଇ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। କୋଭିଡ୍ ଟିକାକରଣରେ ଭାରତ ହାସଲ କଲା ନୂଆ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ। 75 କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା କୋଭିଡ୍ ଟିକା ଡୋଜ୍। ମାତ୍ର 13 ଦିନରେ 10 କୋଟି ଲୋକ ନେଲେ କୋଭିଡ୍ ଟିକା। ଭାରତର ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲା ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ। ଭାରତରେ COVID-19 ଟିକାକରଣର 750 ମିଲିୟନ ଅର୍ଥାତ 75 କୋଟି ଡୋଜ୍ ପୂରା ହୋଇଛି। ଏଥିସହ ଦ୍ରୁତ ଟିକାକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶକୁ ପଛରେ ପକାଇଛି ଭାରତ। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଭାରତର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛି। ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ 10 କୋଟି ଡୋଜ୍ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ 85 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ 65 କୋଟିରୁ 75 କୋଟି ଡୋଜ୍ ପୂରଣ ପାଇଁ ମାତ୍ର 13 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଛି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ କ୍ଷେତ୍ରର ଆଞ୍ଚଳିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ପୁନମ କ୍ଷେତ୍ରପାଲ ସିଂ ଏନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଭାରତକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭ୍ୟ ଏନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେବା ସହ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସବ୍କା ସାଥ ସବ୍କା ପ୍ରୟାସ ମନ୍ତ୍ର ସହ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନ ଲଗାତାର ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75ତମ ବର୍ଷରେ ଭାରତରେ ଟିକାକରଣ 75 କୋଟି ପାର କରିଥିବା ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜ ହମାରେ ଦେଶ କେ ଲିଏ ବହୁତ ହି ଗର୍ବ କି ବାତ୍ ହୈ
कि आज हमारे देश में 75 करोड़ वैक्सीन की डोज लगवाई जा चुकी है। इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और भारत सरकार का, जिन्होंने पूरे देश में फ्री वैक्सीन उपलब्ध करवाई। मेरी आप सभी देशवासियों से भी अपील है कि आप भी ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन लगवाएं, जिससे कि आप, आपका परिवार और पूरा देश कोरोना वायरस से सुरक्षित रह सके। कोविड से जंग में कोविड को हराने के लिए टीकाकरण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां भारत के वैज्ञानिकों ने भारत में ही मेक इन इंडिया का टीका करने का, बनाने का, निर्माण करने का काम शुरू किया, वहीं पर जन जन को मुफ्त में टीका मिले, वैक्सीनेशन हो, इसके लिए भारत सरकार ने पैसों का प्रावधान भी किया। मैं बधाई देता हूं टीका लगाने वालों को भी और लगवाने वालों को भी, कोविड वॉरियर्स को भी। चलित वर्ष जनवरी 16 देश में टीकाकरण अभियान आरंभ हुईथिला। प्रथम पर्यायर स्वास्थ्य कर्मी टीकाकरण करा, वर्तमान सुधा 6 राज्य और केन्द्रशासित अंचल समस्त साबालक अंततः गोटे लेखाएं कोविड टीका डोज नहीं सारी। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। विश्व कोविड महामारी विपद बढ़ई चीन रे किछि दिन व्यवधान में पुणि आरंभ हो जाए संक्रमण, टीका द्वारा कोविड नियंत्रण करिछि बोली दाबी करि आसुथिबा चीनर मिछ एबे पुणि धरा पड़ जाए। सूचना अनुसार चीनर फुंजियान प्रदेश में पुटियान सहर रे पुणि आरंभ हो जाए कोविड संक्रमण। पुणि चीन रे बढ़िला कोविड संक्रमण, धरा पड़ा महामारी नियंत्रण नहीं कम्युनिस्ट सरकार रो मिछ। सील हैला फुजियान प्रदेश रो पुटियान सहर, सहरर लोकंकु घर बाहर को जीवारे लागिला कटकणा। डेल्टा वेरिएंट द्वारा संक्रमण व्यापी थिबा नै आशंका, टीका द्वारा कोविड नियंत्रण होईछि बोली दाबी करूथिला चीन। विश्व रे कोविड महामारी रा विपद बढ़ाइथिबा चीन रे किछि दिन व्यवधान रे पुणि आरंभ होई जाइछि संक्रमण, टीका द्वारा कोविड नियंत्रण करिछि बोली दाबी करि आसुथिबा चीन रो मिछ एबे पुणि धरा पड़ जाइछि। सूचना अनुसार चीन रो फुजियान प्रदेश रे थिबा पुटियान सहर रे पुणि आरंभ होई जाइछि कोविड संक्रमण। पूर्वरु एठारे संक्रमण बढ़िथिले मध्य संपूर्ण नियंत्रण को आसीछि बोली सरकारी भाव प्रचार करा जाउथला, मात्र एबे पुणि अनेक नुआ संक्रमण देखा जिवारु पूरा सहर को सील करा जाइछि एवं सहरर लोक माने घरु बाहर को न बाहरिबा पई कटकणा जारी करा जाइछि। एपरिके स्कूल कॉलेज मध्य बंद पई निर्देश दिया जाइछि। सर्वसाधारण जनवाहन बंद करा जिवा सहित खेल मनोरंजन सह संपृक्त समस्त व्यवस्था और कार्यक्रम को बातिल करा जाइछि। ऑफिस जाउथवा लोकंकु घर रही ऑफिस काम करबा को परामर्श दिया जाइछि। विभिन्न दुकान बाजार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और शॉपिंग मॉल बंद रहितबारु सहरर व्यवसाय मंदा पड़िछि। लोकमानंकु कोविड नियम मानिबा को कड़ा निर्देश दिया जाइछि। प्राथमिक अनुसंधान रु एही नुवा संक्रमण डेल्टा वेरिएंट जुगु व्यापीथिबा जणा पड़िछि। चीन रे डेल्टा वेरिएंट गत जुलाई मासरे अधिक संक्रमण सृष्टि करितिला, मात्र ताहा नियंत्रित होइछि बोली प्रचार करूथला चीन। एबे केवल पुटियान सहरर नुहे बरम सेही फुजियान प्रोविंस रे थिबा फेंगटिंग सहर में मध्य स्थानीय संक्रमण पुणि आरंभ होता जमापड़ जहाँ को डेल्टा वेरिएंट संक्रमण केन्द्रस्थल कोविड नियंत्रण पर चीन नेशनल हेल्थ कमिशन तरफ चिकित्सक दल गढ़ा। मेनलैंड चाइनार केतक सहर में संक्रमण संख्या बढ़ी जमापड़ तेज से सबू अंचल संक्रमण संख्या कम थे मृत्युहार एवं चीन सरकार मिछ को पदार पक। सूचना अनुसार चीन में एवं प्रति 1,00,000 संक्रमण में 5,000 पाखापाखी मृत्यु संख्या रहुथवा सरकारी रिपोर्ट रु जणा पडिछि। ब्युरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। बापा दिव्यांग मां हृदरोगी कबाट नथुबा बखरुरकिया माटी कुडिया भितरे चालीछि जीवन संघर्ष, दुर्बिसह आर्थिक स्थिति सत्वे भविष्यतर सुनेली स्वप्न देखुछन्ति 20 वर्षर पुओ उत्कल। से दशम श्रेणी और द्वादशरे प्रथम श्रेणी रे पास करथिबा उत्कल खबर कागज हकर भाबे मेहनत करी निज पढ़ा खर्च सांग को परिवार चलाइबारे करी पारुछंती किछिटा सहयोग। मेधावी उत्कलंक जीवन संघर्ष को नहीं देखिबा आमर रिपोर्ट। लोके उठिबा पूर्वरु उठि पड़ंती उत्कल, साइकिल टिए धरी दौड़ी जानती बस स्टॉप निकट को। बस्र सीढ़ी उपरे चढ़ी पेपर प्याकेट माना ओल्हांती, साइकिल रे लदी पहुंचंती निर्दिष्ट एक स्थान रे। सेठारो ग्राहकंक द्वार द्वार बुली आरंभ हुए कागज वितरण करिबार माराथन यात्रा। कहार घर भितर को जाई उत्कल पेपर दियंती तो
କେଉଁଠି ସରକାରୀ ଅଫିସ ବାହାରୁ ରହି ପକାନ୍ତି ପେପର। ବାଇକ୍ ଥିଲେ ଅଧିକ ପେପର ବାଣ୍ଟି ପାରନ୍ତି। କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଦୋକାନ, ଅଫିସ ଓ ଘରଗୁଡ଼ିକରେ ସାଇକେଲରେ ବୁଲି ବୁଲି ପେପର ବାଣ୍ଟିବା କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼େ। ଏଥିରୁ ହେଉଥିବା ସାମାନ୍ୟ ଆୟରେ ପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ସହିତ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାନ୍ତି ଉତ୍କଳ। ଉତ୍କଳ କୁହନ୍ତି, ଦିନେ ଦିନେ ମୋତେ ଉପାସ ବି ରହିବାକୁ ପଡ଼େ। ପେପର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍, ସେଇଟା ଖାଲି ବହି ଖାତାରେ କେତେବେଳେ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ ହେଉଛି, ନଚେତ ତ ଘର ଚଳିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ବାଇକ ସେଇଟା ଦେଖୁଛି, ଯେମିତିରେ ଦିନେ ଦିନେ ତ ଭୋକତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଷମକଟକ ବଡ଼ ସାହିର ବାସିନ୍ଦା ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ। କବାଟ ବିହୀନ ବଖୁରିକିଆ ମାଟି କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବାପା ଓ ହୃଦରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ମାଆଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ପରିବାର। ଘରର ଚିତ୍ର ବୟାନ କରୁଛି ଉତ୍କଟ ଗରିବୀର ବାସ୍ତବତା। ଉତ୍କଳ ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ଏବେ ବିଷମକଟକରେ ଥିବା ମା ମାର୍କମା କଲେଜରେ ଯୁକ୍ତ ତିନିରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ମିଳିଛି। ବାଡ଼ିଖଣ୍ଡିଏ ଧରିଲେ ବାଟ ଚାଲୁଥିବା ଉତ୍କଳଙ୍କ ବାପା କୁହନ୍ତି, ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ରୋଗଶଯ୍ୟାରେ, ପୁଅ ପାଇଁ ପେନ୍ଟିଏ କି ଖାତାଟିଏ କିଣିବାର ଶକ୍ତି ମୋର ନାହିଁ। ତେଣେ ପୁଅ କଷ୍ଟ କରି ଆମକୁ ପୋଷିବା ସହିତ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ମା। ମୋତେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି। ମୋ ବାପା ଜଣେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ, ମା ତ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଜଣେ, ତ ଆମ ଘର ଚଳିବା ପାଇଁ ମୋ ପେପର କାଣ୍ଟବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମୋ ଭାଇଠି ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି, ଏବେ ଆମକୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ମିଳୁନି। ଘର ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ମୋର ଦେହ ଖରାପ ହେଇକି ତ ତାର ନିଜେ ସେ ପେପର ବିକି କରି କେଉଁଟା ଚାରଣାଣା ଏମିତି ପଇସା ପତ୍ର ଜମା କରି ନିଜେ ଇଏ କରୁଛି। ମୋର ହାତରେ ତ ଗୋଟେ ପେନ୍ ଖାତା ଗୋଟେ କିଣି ଦେଇପାରୁନି। ମୋର ଅବସ୍ଥା ହେଇକରି ଏମିତି ହେଲେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଛାତି ତାର ଛାତିରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ସେଥିଯୋଗୁଁ ସେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ସରକାରଙ୍କ ପିଲା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ କେଉଁଟା ହେଲେ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବେ ବୋଲିକରି ଆମର ଆଶା ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ପୁଅ ପେପର ବୁଲଉଛି, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ପଇସା ପତ୍ର ଅସୁବିଧା, ସ୍ୱାମୀ ଦେଖିଲେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଠିକ୍, କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ସେ କେତେ ଆଣିଲେ ସେଇଟା ଚଳୁଛୁ, ଘରେ କିଏ କମେଇବା ଲୋକ ନାହିଁ, ବେଶୀ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛୁ। ସରକାର କିଛି ହେଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। କ'ଣ ପିଲାକୁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ତାକୁ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ନିଜେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ପରିବାର ଓ ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଉଥିବା ଏହି ମେଧାବୀ ଯୁବକଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିପାରିଲେ ସହଜ ହୋଇପାରନ୍ତା ତାଙ୍କ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ। ରାୟଗଡ଼ା ବିଷମକଟକରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ନିହାତି ଉତ୍କଳଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ଅନେକକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଖବରରେ ସମୟ ସରିଛି, ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ନମସ୍କାର।